हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपने विंडोज 11 लैपटॉप डेस्कटॉप में आप लोग क्रोम ब्राउजर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कहां से करें, कैसे इंस्टॉल करें। तो जैसे कि इस विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज आता है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर, जो इंटरनेट सर्फेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज करके है। आप लोग इसको ओपन करेंगे, अगर आपको डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे कर लीजिए, नहीं तो डबल क्लिक करके ओपन करेंगे एज को, या तो यहाँ पे सर्च करके एज को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे क्रोम डाउनलोड। तो अभी आसान है बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए यहाँ से आप लोग क्रोम डाउनलोड फॉर पीसी करेंगे। और यहाँ पे देखिए पहला ही वेबसाइट आ गया है, www.google.com वेबसाइट पे आप लोग इंटर करेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से कुछ ब्राउजर आएगा। यहाँ पे डाउनलोड क्रोम करके लिख के आ रहा है, अगर आपको अपडेट करना है आई वांट टू अपडेट क्रोम तो वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये देखिए डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे ओपन फाइल करेंगे, ये मैंने डाउनलोड किया अभी, इसको ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे या देखिए फाइल पर फाइल का आइकॉन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर भी आप लोग को जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है वहाँ पे आप लोग को लेके जाएगा जिस पाथ पे डाउनलोड हुआ है, तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो इस तरीके से जैसे ही आप लोग रन करेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, ये कुछ डाउनलोड होता है इसका सेटअप फाइल, ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद में आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाएगा। ये देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है और ये अभी फाइनली हो गया है। ये देखिए डेस्कटॉप पे आइकॉन भी आ गया है और यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके यूज कर सकते हैं या क्लोज कर देंगे और फिर ओपन करेंगे तो ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग नहीं पूछेगा। ये सब ये दिखा रहा है कि ये रखना चाहते हैं आप कि नहीं रखना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे या क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोग इस तरीके से अपने विंडोज 11 पीसी पे लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। एज अभी कोई यूज नहीं करता है, ज़्यादा करके अभी क्रोम ब्राउजर ही यूज करते हैं। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं आप। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।